Jingle bell, jingle bell, jingle. जा रहे हैं गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम जब घूमने गए थे वहाँ से हम आ चुके हैं और 1 घंटे बाद का ये क्लिप है। और आने के बाद हम 1 घंटे इधर उधर किए, बातें किए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए, फिर अभी हम बैठे हुए हैं। 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम है और हम आ गए थे 5:30 के आसपास हम घर पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर स्पर्श भी बैठा हुआ है, काफ़ी यहाँ पर कपड़े फैले हुए। एक्चुअली ये सारे कपड़े ना गीले हैं तो मैं अभी बाहर से लेके आई हूँ, लेकिन यहीं पर रख दी हूँ। अब पीछे आंगन में डालना है तो अभी फ़िलहाल यहीं के लिए है। और कुछ तो कपड़े जो होते हैं या फिर सोफ़ा के कवर होते हैं वो बाबू इधर उधर फैलाता रहता है। और यहाँ पे उसने पीछे कर्टन से सारे क्लॉथ पिन निकाल लिए हैं और वो उसी से खेल रहा था, फिर इसलिए वजह से ना मैं उसको बोल रही थी। यहाँ पे उसका जो बेल्ट है वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था। और ऐसे टाइट होता है ना तो वो रोता रहता है, बोलेगा नहीं निकाल दो, बस रोने लगेगा। तो मैं समझ जाती हूँ उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके एक्सप्रेशन से मेरे को समझ में आ जाता है। और यहाँ पे स्पर्श का गिफ्ट मैं निकाल दी हूँ। स्पर्श के बर्थडे के बाद जो भाई ने भेजा था वही वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यहाँ पे उसका साउंड निकल रहा था। और जब वो आया था ना तभी थोड़ा सा उसने तोड़ दिया था, तो मैं फिर बीच बीच में ना रख दिया करती थी, उसको साथ में लेके बैठती थी और फिर वो बजा लेता था तो मैं रख देती थी। Jingle bell, jingle bell, jingle. स्पर्श, पियानो बजाओगे? उसके बाद यहाँ हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अभी चाय भी बन चुका है तो भाई और भाभी दोनों लोग चाय पी रहे हैं, साथ में है नाश्ता नमकीन। और मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैंने जब ऐसे वीडियो में बोलती हूँ ना तो एक मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब आप नहीं पीती हो तो चाय अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ मैं नहीं बोलती, बस मैं यही बोलती जब मैं बनाती हूँ कि मैं नहीं पीती हूँ। और ये एक आखिरी पल है, शाम है और सुबह के टाइम यहाँ पे भाई को निकल जाना है। यहाँ पे वो जो भी उनके फ़्लाइट की जो टिकट थी ना उसका जीरोक्स वगैरह कराना था तो वो अभी बाहर गया था, तो वो अभी करा के आया है। तो इस टाइम ही सारा कुछ रेडी कर लेना होता है क्योंकि सुबह में 5 बजे के आसपास उनको निकलना है, 4:30-5 बजे, क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट है और वो लोग 9 बजे फिर लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे इनका भी हम वेट कर रहे थे। चाय तो इनके लिए भी बन गया है लेकिन ये आए नहीं है और जब भी आएंगे तो फिर ये चाय पियेंगे। उसके बाद हमारा प्लान बना है कि हम डिनर पे जाएंगे क्योंकि ये कभी भी 2 दिन में किसी दिन भी इनके साथ घूमने नहीं गए तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, हम सब साथ में डिनर कर लेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे ये ऑफिस से आ चुके हैं और ये भी चाय पी रहे हैं, साथ में इनको मैंने दिया है नमकीन। और ये आए हुए इनको काफ़ी टाइम हो चुके हैं, हाफ घंटे हो चुके हैं, लेकिन सामने वाले जिस फ्लैट में हमें शिफ्ट होना है उसमें थोड़ा सा काम कराना था। कोई टैप वगैरह जो भी था ना किचन वगैरह के, वो टूटे हुए थे, तो वो जो हाउस ऑनर थे वो भेजे थे, तो फिर हमें ही कराना था। और उसके बाद ये चाय पीने के बाद फिर हम सब तो रेडी हैं ही, ऐसे ही बैठे हुए। उसके बाद हम लोग निकलेंगे डिनर के लिए, और अभी जो थोड़ी बहुत पैकिंग है वो भी करनी है। तो टिकट का जो था ना वो सब भाई चेक कर रहा था अभी स्टेटस क्या है। और पैकिंग हम सोच रहे हैं कि आने के बाद, प्रियंका ने बोला कि आने के बाद जो भी पैकिंग बाकी है वो कर लेना है, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और स्पर्श अभी बैठा हुआ है साइड में, उसका कट गया है। वैसे ना वो कभी कभी ऐसा करता है, कैमरे में जब आना होता है, जब उसका मन होता है तब वो आराम से आगे बैठता है, कैमरा अपनी तरफ लगाता है, लेकिन जब उसका मूड नहीं होता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और ये अभी फिर चले गए हैं सामने वाले फ्लैट में। क्या जी और अभी हम सब जा रहे हैं डिनर के लिए। और ये यही बोल रहे थे ना कि तुम सब मास्क भी सेम मैचिंग लगाए होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और अभी हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट, और डिनर में हम क्या करेंगे आगे आप लोग देखेंगे। और स्पर्श को यहाँ बोला जा रहा था कि मास्क निकाल दो, वो नहीं निकाला था, क्योंकि उसको भी आदत हो गई है ना, कहीं भी बाहर जाओ तो मास्क पहनना ही पहनना है। और ये हम डिसाइड कर रहे थे, ये बोले कि डिसाइड कर लो, फिर मैं बोली प्रियंका से कि प्रियंका आप डिसाइड करो, फिर भाई को बोली। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कोई भी हम जाते हैं कहीं भी डिनर करने या फिर नाश्ता करने, उस टाइम पे जो मेनू होता है वो डिसाइड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ काम लगता है, तो मैं ये कर नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी देख रही थी, तो यहाँ पे जो भी स्नैक्स में हमें क्या मंगाना है या फिर हम डिनर में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी ऐसे मिल के और डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ हम स्नैक्स में ऑर्डर किए थे नूडल्स और स्प्रिंग रोल, और फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो लेट से आया था, क्योंकि नूडल ना खाए तो स्पर्श का काम नहीं चल रहा है, उसकी फेवरेट चीज़ है नूडल्स। और स्प्रिंग रोल इनको भी पसंद है, बाकी सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था। तो ये हमारा स्नैक्स हो गया, पहले हम ये खाएंगे, उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो यहाँ पर मैं सबको सर्व कर दे रही हूँ। उसके बाद स्नैक्स खाने के बाद हमारा डिनर भी अभी आ चुका है। तो हमने एक तो मंगाया, हमने चिकन मंगाया है, भाई और मैं खाएंगे और ये नहीं खाते और प्रियंका भी नहीं खाती हैं, तो इनके लिए कुछ पनीर बटर मसाला ऐसे करके या फिर कढ़ाई पनीर कुछ था, मुझे याद नहीं है, और गार्लिक नान था और राइस था। ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली। स्पर्श को मैं अपने पास बैठा ली हूँ क्योंकि वो नॉनवेज खाता है और अभी मैं थोड़ा सा मिक्स वेज भी ले ली और फिर मैं इनको दे दी। और हम तो भाई और बहन दोनों खाते हैं लेकिन भाभी तो खाती नहीं है और स्पर्श खाता है, तो स्पर्श को मैंने अपने पास बुला लिया कि वो मेरे पास आके खा लेगा। और फिर साथ में चटनी और अभी राइस हम लास्ट में ऑर्डर करेंगे क्योंकि फिर राइस तो गर्म ही अच्छा लगता है। और फ्रेंच फ्राइज काफ़ी लेट दिए थे तो हम फिर क्या किए, डिनर के साथ ही हम साइड में लेके और थोड़ा थोड़ा खा लिए। और स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने थोड़ा सा लेट ही ऑर्डर किया था, तो वो फिर जब डिनर करने का टाइम आ गया ना हमारा तब आया है। और यहाँ पे हम लोग डिनर करके आ चुके हैं घर पे और भाभी की पैकिंग शुरू हो गई है लास्ट में, और जो भी पैकिंग करनी है वो सब मैं थोड़ा सा दिखाते रही हूँ। और कल वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, इमोशनल होगा। आप लोग उसके बाद फिर ना मेरी भाभी को ब्लॉग में नहीं देखोगे, मतलब वो चली जाएंगी, फिर पता नहीं कब ब्लॉग में आएंगे नहीं आएंगे। आप लोग बोल रहे हो कि अपनी भाभी का चैनल आप ओपन करवा दो, तो ये मैं नहीं बोल सकती बिकॉज़ ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और फिर जॉब के बाद उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और कि ब्लॉगिंग कर पाएँ, तो ये उनकी चॉइस है वो ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।